आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सीएम सिद्धरमैया को लेकर है। सीएम सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से लगा है तगड़ा झटका। MUDA मामले में सिद्धरमैया की याचिका खारिज हो गई है। इस मामले को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। अब जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर केस चलेगा, यानी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से मुद्दा मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सवाल बहुत से उठे। ऐसे में याचिका कोर्ट में लगाई गई थी सिद्धरमैया की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट ने दे दिया है तगड़ा झटका। जमीन घोटाला मामले में सिद्धरमैया पर अब केस चलेगा। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गया है एक बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर घेरेगी अब BJP। सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से लगा है तगड़ा झटका और अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर केस चलाने की तैयारी हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि MUDA मामले में लगातार सवाल के घेरे में सिद्धरमैया थे और उनके करीबी थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है हाईकोर्ट पे जो याचिका उनके जरिए लगाई गई थी और लैंड स्कैम मामले में, अब उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने के लिए जरूरत है कि इनकी जांच हो, और ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। अब सिद्धरमैया को इस लैंड स्कैम मामले में हाईकोर्ट से झटके के बाद केस उनके खिलाफ चलेगा। केस चलेगा तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली हैं। दरअसल ये जो मसला है जमीन के एक टुकड़े का है, जिसकी नाप है 3.14 एकड़, जो सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। BJP इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर रही है। ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಏನು ನೀಡಿದ್ರು ಅದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಈ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು, ಅವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತನಿಖೆ ಆಗೇ ತೀರಬೇಕು. चलिए इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।